subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. तो कॉपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है 616 पे, लगभग ₹2 ऊपर फ्लैट पॉजिटिव. तो शुरू करते हैं एनालिसिस फॉर फ्रॉम बिगर चार्ट. तो मंथली चार्ट पे देखो क्या, तो इस महीने कॉपर ट्रेड कर रहा है लगभग 11.5% नीचे. लास्ट मंथ हमने लगभग 11% 10.5% की बिकवाली देखी थी, उसको ही कंटिन्यू करते हुए हमने इस महीने लगभग 11.5% की बिकवाली देखी है. और लगभग 691 के लेवल से हमने 601 का लो देखा है. अगर मंथली चार्ट पे देखो गया तो कॉपर अभी 20 और 50 एवरेजेस के अराउंड 20 मंथ का जो एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और 50 मंथ का जो एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो है 586 रुपीज़. तो यहाँ 586 जो है तो एक एज अ सपोर्ट काम कर सकता है. आप अगर पिवट पॉइंट पे देखोगे तो जैसे हमने पिवट को ब्रिज किया, हमने पहला टारगेट अचीव कर लिया है जो 630 का था, उसके बाद में 575 का नेक्स्ट टारगेट है. तो मुझे लगता है कि कॉपर जो है तो फिर से 575-586 के अराउंड जो है तो आ सकता है ऊपर जो है, तो 630 रुपीज़ का एज अ रेजिस्टेंस रहेगा जो S1 है. अगर हम 575 के नीचे फिसल जाते हैं तो आपको 490 के भी लेवल कॉपर में आते हुए देखेंगे, जो कि इसका S3 है. तो यहाँ लॉन्ग टर्म करेक्शन चालू है एज एक्सपेक्टेड, और यहाँ हमने पहला टारगेट 630 का अचीव कर लिया. अभी नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 586-575 के अराउंड रहेगा, और ऊपर जो है तो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है जो है 630 और 670 जो है तो वो 20 मंथ का एवरेज है. तो यहाँ अगर बाउंस बैक आता है 670 के अराउंड तो वहाँ शॉर्ट करना चाहिए. आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 630, उसके बाद में 575 के एज पर मंथली चार्ट. ये लॉन्गर टर्म का चार्ट है, और यहाँ जो है तो हम अगर 50 मंथ का जो एवरेज है उसके नीचे जाते हैं तो आपको एक डीपर करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और हम 490 के लेवल भी कॉपर में आते हुए देख सकते हैं. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ क्लियर कट शार्प प्रॉफिट बुकिंग है इन्वेस्टर की तरफ से. यहाँ जो है तो ये हफ्ता हमने लगभग 7% लॉस किए है कॉपर में, और लगभग 45 रुपीज़ लॉस के साथ कॉपर बंद हुआ है. और अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये लगभग छठवा हफ्ता था कॉपर के लिए जो लॉस में बंद हुआ है. लास्ट हफ्ते हमने कॉपर में लगभग 2.7% का लॉस देखा था, 18 रुपये नीचे बंद हुआ था. इस हफ्ते अच्छी खासी बिकवाली के वजह से लगभग 45 रुपीज़ नीचे बंद हुआ है, और हम बंद हो चुके हैं जो 200 वीक का एवरेज है उसके अराउंड. और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि अभी जो है तो कॉपर ओवरसोल्ड लग रहा है. अगर बाउंस बैक आता है तो आपको जो है तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 685 जो है 100 वीक का एवरेज, उसके बाद में 735 जो 20 और 50 वीक के एवरेजेस है. अगर हम बाउंस बैक नहीं देते और उसके नीचे जाते हैं तो आपको जो है तो 490 का टारगेट भी आते हुए दिखेगा. यहाँ पॉसिबिलिटी है कि कॉपर यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे, क्योंकि यहाँ डीपली ओवरसोल्ड है. कम से कम आपको जो है तो 690 तक का बाउंस बैक दिखा सकते हैं एज पर वीकली चार्ट. यहाँ भी जो है तो अभी यहाँ कॉन्ट्रा बाय बनेगा, जो जिन्हें बाय करना है उनका स्टॉप लॉस जो है तो 599 के नीचे रखना पड़ेगा. उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 575 का है, तो 599 के अराउंड जो है तो बाय करके 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप कॉन्ट्रा बाय ले सकते हो. ये कॉन्ट्रा बाय जो रहते हैं इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि वोलेटिलिटी बॉटम पे बहुत ज़्यादा रहती है. और मोस्ट द टाइम जो बड़े प्लेयर हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉप लॉस लेकर जाते हैं. तो ये कॉन्ट्रा बाय बन सकता है यहाँ, और जिसका टारगेट ऊपर जो है तो 670 से लेकर 690 तक बन सकता है इन मीडियम टर्म. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि कॉपर ने जो ब्रेकडाउन के बाद जो 200 डेज का जो एवरेज था उसके बाद, तो अभी देखते हैं डेली चार्ट में. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने ब्रेकडाउन किया 200 डेज के एवरेज के नीचे, वहाँ से क्लियर कट वन डायरेक्शन शॉर्ट सेलिंग रही, और जो है तो कॉपर प्राइजेस लुढ़कते ही चले गए. हमने 682 का, उसके बाद में 650 का, और अभी 600 का भी टारगेट अचीव कर लिया है. यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है,
ये रिस्की बेट है मगर इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जो है तो मुझे लगता है यहाँ शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ से आपको जो है तो 600 के अराउंड जो है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए कॉपर में। ऊपर जो है तो आपको 650 और 680 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जो 20 डेज का एवरेज है वो है लगभग 684 के अराउंड, तो 680 पकड़ ले के चलिए राउंड नंबर, तो 680 तक आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, मगर आपको 600 के अराउंड एंटर करना होगा। और ये ट्रेड जो है तो ये हाई रिस्क रहेगी और इसको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जो है तो बॉटम पे आपको वोलेटिलिटीज देखने को मिल सकती है और जो बड़े प्लेयर हैं वो सारे स्टॉप लॉस लेकर जाते हैं, मगर यहाँ आप बार बार ट्राई कर सकते हो। और ये जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर 10 रुपये का रिस्क लेते हो तो आपको 80 रुपये का रिवॉर्ड, तो 1:8 रिस्क रिवॉर्ड है। तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ शॉर्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए और इसका फॉलोअप भी हम लेंगे बाद में जो आवरली चार्ट है उस पर। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि कॉपर जो है तो सेलिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ आपको जो है तो बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा मेरा, यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो हमने डेली चार्ट पे देखा सब निचले टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ से जो है तो एक रिवर्सल के अर्ली रिवर्सल साइन दिख रहे हैं, तो यहाँ बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी रहेगी। और शॉर्ट टर्म वीकली चार्ट पे भी हमने 200 वीक का एवरेज टेस्ट किया है, तो यहाँ से बाउंस बैक आने की पूरी संभावना है। तो हमारा एंट्री लेवल रहेगा 599 के अराउंड और हमारे ऊपर जो टारगेट रहेंगे वो लगभग मीडियम टर्म में 590 का 690 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर वीकली चार्ट। मंथली चार्ट पे भी जो है तो हमने यहाँ सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है, मगर यहाँ जो आपको सपोर्ट दिख रहा है वो 575 के अराउंड है। अगर उस लेवल पे आता है तो लॉन्गर टर्म में वहाँ से भी एक बाउंस बैक आने की संभावना है जो इसको लेकर जा सकती है लगभग 670 के लेवल के तरफ। तो सभी चार्ट पे आपको जो है तो बाउंस बैक के संभावना दिख रही है। वीकली और डेली चार्ट पे एक लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड बन रहे हैं जिन्हें रिस्क लेनी है। एक 10 पॉइंट के रिस्क के साथ आप जो है तो कॉपर में लॉन्ग जा सकते हो, पोजिशनल स्विंग या शॉर्ट टर्म जो है तो लॉन्ग पोजिशन ले सकते हो, मगर ये आपको स्टॉप लॉस के साथ लेनी होगी और ये अगेंस्ट द ट्रेंड है तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है। ये समझ में आपको ये समझना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग हो तो आप एक लॉन्ग पोजिशन यहाँ कैरी बना सकते हो और आपको जो है तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। मुझे लगता है कि कॉपर यहाँ से एक अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग रैली बिल्कुल दे सकता है आने वाले हफ्तों में, हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली कॉपर में देखने को ज़रूर मिलेगी। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कम्युनिटी कॉल चाहिए तो मेरी पेड सर्विस ले सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।